आमतौर पर स्कूल में बच्चों को खुली आंखों से पढ़ना, लिखना, बोलना और चलना सिखाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं प्रयागराज के ऐसे स्कूल के बारे में जहां खुली आंखों से पढ़ाई तो होती ही है, साथ ही बंद आंखों से भी पढ़ना सिखाया जा रहा है। जी हाँ, प्रयागराज के डी मेमोरियल स्कूल में बंद आंखों से बच्चे सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि दूसरों के मस्तिष्क को भी पढ़ने का हुनर सीख रहे हैं। क्या सीखने को मिलता है आप लोगों को? जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारे सेंस एक्टिव हो जाते हैं, जिसे कोई चीज़ हम सोचते हैं तो वो हमारी मेंटली हेड पे पड़ता है और इसकी हमें इमेज अपने आप फॉर्मेशन होने लगती है, जो हमारे सीधा आईब्रोज के बीच जो मेडिटेशन के सेंसेस ऑन होते हैं उनमें हमें वाइब्स दिखाई देती हैं और इमेज बनने लगती है फॉर्मेट। मेडिटेशन में हम लोग आइज क्लोज करके अपने थर्ड आई में सोचते हैं और उस पर कंसनट्रेट करते हैं, तो उससे जो है हम लोग आँख बंद करके सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और सब कुछ दिखाई देता है उसमें। थर्ड आई से करती हैं आप लोग? यहाँ थर्ड आई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बच्चे आंखों में पट्टी बंधे होने के बावजूद रंगों का कलर सूंघ कर बता दे रहे हैं। इसके अलावा बंद आंखों से टीचर से पूछे जाने पर अपनी बुक के चैप्टर का पेज नंबर भी खोल रहे हैं। इस हैरतअंगेज कारनामे को अंजाम देने वाले टीचर बताते हैं कि हम लोग आज के बच्चों में स्किल डेवलप करने के मकसद से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर कोई ध्यान करता है तो उसे वो सब चीजें मिलने लगती हैं जो वाइब्रेशन के थ्रू आती हैं। इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं, आप जो भी देखे हैं इसमें बच्चा सिर्फ आंख बंद करके आप राइटर का नाम बताएंगे और लेखक का नाम बताएंगे, बुक का नाम बताएंगे, वो बता देगा इसमें क्या लिखा हुआ है। बुक्स को ऐसे फ्लिप करके पढ़ सकता है कि 5 चैप्टर में 10 चैप्टर। और उसकी सबसे खास बात होती है कि अगर आप 10,000 लैंग्वेज है अगर दुनिया में, तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप हिंदी, इंग्लिश या मराठी जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़िए। यानी कि अगर इसको आप सीख लेते हैं तो किसी भी लैंग्वेज की बुक को आप सिर्फ फ्लिप करके पढ़ पाते हैं, अपने दर्द को ठीक कर पाते हैं, आँख बंद करके अपने मेडिसिन अपने दर्द को भी आप ठीक कर पाते हैं। मान लीजिए अभी कहीं मोच लग गई, सिर्फ आप उसको 10 सेकंड में 12 सेकंड में ठीक कर पाएंगे और एकदम ठीक हो जाता है। तो इसका पूरा साइंस है और ये भारत में तभी 2013 के बाद आया है और तेजी से फैल रहा है, ये बड़े बड़े शहरों में भी खासतौर से। तो जैसे आपने देखा, सिर्फ पहले कुछ बच्चे स्कूल आने से थोड़ा कतराते थे, लेकिन आजकल स्कूल के बच्चे खुद स्कूल आने के लिए उत्साहित हैं। स्पेशल क्लास के लिए अनुराग जो ऋषिकेश से आए हैं, जो बच्चों को क्वांटम स्पीड रीडिंग, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी, राइट ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्स का नाम 21 दिनों का चला रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे आंखों में काली पट्टी बांधकर भी किताबों को और दूसरी चीजों को पहचान पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रंगों का कलर भी बता रहे हैं। वहीं पैसे कितने हैं ये भी सूंघ कर बता दे रहे हैं। वहीं बच्चों का मानना है कि इस क्लासेस से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।